हेलो एवरीवन, मैं अरविंद, जम्मू कश्मीर में आपका स्वागत करता हूं। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में कॉपी चेक कैसे होती है, कैसे मार्क्स आपके कम या ज़्यादा आते हैं, क्या प्रक्रिया होती है कॉपी चेक करने की, इन सभी टॉपिक्स पे हम बात करेंगे क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम चल रही है और जल्द ही परिणाम देने का जो यहाँ पर प्रक्रिया है वो भी स्टार्ट होगी। तो कुछ बच्चों के कॉमेंट आए कि सर, आप बहुत सारे टॉपिक्स पर वीडियो बनाते हो, काफ़ी समय से यूनिवर्सिटी एग्जाम्स को कवर कर रहे हो, तो आपने इस टॉपिक पर कभी भी वीडियो नहीं बनाई है कि यूनिवर्सिटी में कॉपी कैसे चेक होती है। जो काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनके बहुत अच्छा लिख के आते हैं लेकिन कम मार्क्स आते हैं, मतलब काफी सारी सिचुएशन होती है कि बहुत अच्छा पढ़ के गया है फिर भी कम मार्क्स आ गए, और एक दूसरा विद्यार्थी है जो कम पढ़ के गया है फिर भी अच्छे मार्क्स आ गए, तो ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है जिससे कि ये सब देखने को मिलता है, तो यूनिवर्सिटी में कॉपी कैसे जांच होती है, इन सब पे हम बात करने वाले हैं। तो पेशेंस बनाकर वीडियो एंड तक देखते रहें। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ा रीजन तो यह है, जैसे कि आपको बताइए, जब आप 12वीं तक होते हो, 10वीं और 12वीं बोर्ड की अगर हम बात करें तो बोर्ड की कॉपी जांच अलग तरीके से होती है। वहां पर टीचर्स को काफी समय मिल जाता है तो एक एक पॉइंट को देखा जाता है, एक एक लाइन को देखा जाता है, और आपको भी बोला जाता है कि आप उतना ही लिखें जितना आपसे पूछा गया है। मतलब आपको शब्द सीमा दी हुई होती है कि आपको 25 शब्दों में 30 शब्दों में ही क्वेश्चन का आंसर देना है, लेकिन यूनिवर्सिटी एग्जाम में ऐसा नहीं होता है। यूनिवर्सिटी एग्जाम में ज्यादातर बड़े ही क्वेश्चन होते हैं, एक एक यूनिट में दो दो क्वेश्चन होते हैं और दोनों क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप जितना बड़ा लिख सकते हैं, जितना लेंथी लिख सकते हैं, उतने ही आपके अच्छे मार्क्स आते हैं। अब क्या होता है, जैसे मतलब काफी सारे विद्यार्थी होते हैं जो 12वीं पास करने के बाद कॉलेज में जाते हैं, फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में होते हैं, और वो सोचते हैं कि जैसे हमने 12वीं में लिखा था वैसे ही लिख के आ जाते हैं, जितना पेज भरना चाहिए उससे भी कम पेज भर के और दो दो तीन तीन लाइन के आंसर लिख के आ जाते हैं, और वो सोचते हैं हमने बहुत अच्छा लिखा है, ऑथेंटिक लिखा है, बट उनके मार्क्स नहीं आते हैं। क्योंकि जो यूनिवर्सिटी के जो लेक्चरर होते हैं, जो प्रोफेसर होते हैं, जो एग्जामिनर होते हैं, जो आपकी एग्जाम कॉपी को जांच करते हैं, उनको लगभग 2 या 3 मिनट मिलती है प्रत्येक कॉपी को जांच करने के लिए। तो वो सिर्फ एक आइडिया देखते हैं कि बच्चे का लिखने का तरीका कैसा है, उसने कितने पेज भरे हैं और वो कैसे लिख रहा है, बस इसी चीज को नोटिस करते हैं। तो एक और बात होती है और वो है आपका प्रेजेंटेशन, कॉपी में प्रेजेंटेशन आपका कैसा है। जैसे मान लीजिए 20-25 पेज की कॉपी है तो आपके स्टार्टिंग के 2 या 3 पेज नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए, कोई भी गलती नहीं हो, कोई भी मिस्टेक नहीं हो, क्योंकि अगर आपने पहले ही पेज में मिस्टेक कर दी, पहले ही पेज में कुछ गड़बड़ कर दिया, तो फिर वहां पर इंपैक्ट गलत पड़ेगा एग्जामिनर पर और आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। काफी सारे विद्यार्थी होते हैं जो काफी गलती करते हैं, वो चाहे पूरी कॉपी भर के आए हैं या सब कुछ लिख के आए हैं लेकिन उन्होंने काटाफासी की है और गलतियां करी है, मिस्टेक की है, पेज छोड़े हैं, बहुत सारी मतलब मिस्टेक हुई है, तो नंबर यहां पर कम हो जाते हैं क्योंकि एग्जामिनर को समय कम है तो वो देखने नहीं बैठेगा आपने कितना सही लिखा है, कितना मतलब आपने नहीं लिखा है, वो सिर्फ ये देखता है कि कॉपी कैसी है, कॉपी में अच्छी लिखावट है या नहीं है, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है नहीं है, टॉपिक वाइज आपने चीजों को लिखा है नहीं लिखा है, और स्टार्टिंग के पेज और लास्ट पेज में आपने कैसे लिखा है, इन सब बातों पर गौर किया जाता है। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है जब भी आप जो है एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप कॉपी में कैसे लिखें ये बहुत जरूरी होता है। और हम बहुत समय से सुनते आ रहे हैं, आप भी सुनते आ रहे होंगे कि कॉपी में लिखने से ही नंबर आते हैं यूनिवर्सिटी में, और कहीं ना कहीं ये बात सच भी है, काफी हद तक ये बात सच है कि काफी सारे विद्यार्थी होते हैं जो बहुत अच्छा पढ़ के जाते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बट उनके मार्क्स कम आते हैं। आपने भी देखा होगा कि बीएससी का रिजल्ट, बीए का रिजल्ट और मतलब एग्जाम की तुलना में बहुत कम रिजल्ट रहता है, और काफी सारे बच्चे मतलब हजारों की संख्या में बच्चे जो है रिवेल का फॉर्म लगाते हैं और उनके मार्क्स बढ़ते भी हैं। उसका कारण यही है, पहला कारण तो कि एग्जामिनर को टाइम कम मिलता है, दूसरा कारण है आपका जो लिखने का तरीका है उसमें थोड़ी गड़बड़ हुई है, और तीसरा कारण हो सकता है कि एग्जामिनर ने जल्दीबाजी में यहां पर कॉपी चेक की है, तो फिर आप जब दोबारा रिवेल का फॉर्म लगाते हैं तो आपके मार्क्स बढ़ते हैं। काफी बार मैंने मतलब पिछले 2-3 साल से मैं यूनिवर्सिटी एग्जाम्स को कवर कर रहा हूं, वीडियोस बना रहा हूं, आप सभी को पता है लाखों विद्यार्थी वीडियोस देखते हैं, तो काफी सारे बच्चों के कमेंट आते हैं, सर मेरे 15 नंबर बढ़ गए, मेरे 10 नंबर बढ़ गए, मेरे 20 नंबर बढ़ गए, इतने नंबर मतलब बढ़ जाते हैं, तो सोचो परसेंटेज में कितना यहां पर जो है इंक्रीज होता है। तो यही है कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है, स्टार्टिंग के पेज जो आप लिख रहे हैं उसमें नीट एंड क्लीन वर्क करें जिससे कि एग्जामिनर को इंपैक्ट अच्छा पड़े और आपके मार्क्स अच्छे आए। कोशिश करें क्वेश्चन को लेंथी लिखने का, जो भी आंसर आप लिख रहे हैं उसको लेंथी लिखने का कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा पेज में, क्योंकि कॉपी काफी बड़ी है, काफी बड़ी कॉपी है, काफी पेज होते हैं, आप लिख के आए, बढ़िया लिख के आए। मैं खुद का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, काफी पेपर मेरे ऐसे थे बीएससी के अंदर, एमएससी के अंदर, जिन पर कॉन्फिडेंस नहीं था कि यार मैं लिख पाऊंगा नहीं लिख पाऊंगा, लेकिन मैं मतलब लिखने में बहुत अच्छा लिखता था, पेपर में जो कॉपी है उसके अंदर मैं बहुत अच्छे से लिखता था, और पूरा सिस्टमेटिक तरीके से डायग्राम बनाना और पूरा उसको अंडरलाइन करना, इन सब बातों पर मैंने ध्यान रखा, तो कभी भी मेरा पेपर बैक नहीं लगा और मेरे अच्छे मार्क्स भी आए। तो आपको भी यही ध्यान रखना है कि कॉपी का जो प्रेजेंटेशन है वो आपका टॉप होना चाहिए, और यही सब आपसे और लोग भी कहते होंगे, आपके सीनियर भी
कहते होंगे कि भाई चाहे कितना ही पढ़ ले लेकिन अच्छा लिख के नहीं आएगा तो मार्क्स कम ही आएंगे, और ऐसा बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ में होता है। तो अगर आप जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, SSC, रेलवे, बैंक या राजस्थान पुलिस या राजस्थान की कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम है उसकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप भारत के नंबर वन लर्निंग ऐप अनअकैडमी पर क्लास ले सकते हैं, प्लस और फ्री क्लासेस ले सकते हैं। तो रेगुलर वहां पर फ्री क्लासेस हो रही हैं, मेरी खुद की भी वहां पर फ्री क्लासेस हो रही हैं। अरविंद कुंडारा मेरी प्रोफाइल है, वहां पर आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर जाएं, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करें, साइन इन करें अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से, उसके बाद में कैटेगरी सेलेक्ट करें। SSC नॉन टेक्निकल में मैं पढ़ा रहा हूं तो SSC नॉन टेक्निकल सेलेक्ट करें, उसके बाद नाम सर्च करें अरविंद कुंडारा और वहां पर फॉलो कर लें। रेगुलर मेरी क्लास हो रही है सुबह 8 बजे, उसके बाद 11 बजे, फिर शाम को 8 बजे और 9:30 बजे। चारों क्लास मेरी फ्री स्पेशल है जिसमें मैं स्टैटिक GK और जनरल साइंस पढ़ा रहा हूं। तो अगर आप सामान्य ज्ञान पढ़ना चाहते हैं जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप पढ़ना चाहते हैं आगामी भर्तियों के लिए, तो आप लोग तैयारी कर सकते हैं और फ्री स्पेशल क्लास ले सकते हैं। आज सुबह 11 बजे बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है जिसमें जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स के क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो आप लोग सभी जुड़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री क्लास है। क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ओपन करना, अनलॉक कोड लगाना GENUINE10, जेन्युइन 10 अनलॉक कोड लगाना, क्लास ओपन हो जाएगी और अपकमिंग क्लासेस के लिए आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। अब यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सटीक जितना यहाँ पर इंपैक्ट नहीं डालता, जितना आप लेंथी लिख रहे हैं, बड़ा करके लिख रहे हैं, 4-5 पेजों में, 5-7 पेजों में आंसर्स कर रहे हैं, वहां पर इंपैक्ट पड़ता है क्योंकि एग्जामिनर को इतना टाइम नहीं, वो यही देखता है भाई क्वेश्चन में कितने पेज भरे हैं, कितने पॉइंट बना के यहाँ पर आंसर किए हैं, वो फटाफट से चेक कर देता है और आपके मार्क्स दे देता है। तो काफी बार क्या होता है, बच्चा अच्छा लिख के आता है, सटीक लिख के आता है, बट उसके मार्क्स कम आते हैं। उसका रीजन यही है कि आपने जो है लेंथी नहीं लिखा है और एग्जामिनर की जो ध्यान है वो नहीं गया है, आपके आंसर्स पर ध्यान नहीं गया है, तो वो मतलब या तो काट देगा या वो नंबर कम दे देगा जिससे आपके मार्क्स कम आते हैं और आपको फिर रिवेल का फॉर्म लगाना पड़ता है क्योंकि आप सोचते हैं कि सर मैं तो बहुत अच्छा करके आया हूं, मेरे कम नंबर कैसे आए। और नंबर बढ़ते भी हैं तो नंबर उन विद्यार्थियों के बढ़ते हैं जिनका आंसर ठीक होता है, जिन्होंने अच्छा आंसर लिखा है, लेंथी लिखा है, उनके नंबर बढ़ते हैं। तो आपको इन कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है और इसी से मार्क्स आपके अच्छे आएंगे। यही बातें होती हैं, आप कोई सा भी वीडियो देख लो या किसी से भी पूछ लो, आपके सीनियर से पूछ लो, किसी मतलब टीचर से पूछ लो या फिर किसी से भी आप बात कर लो, यही बताएंगे कि लिखने का तरीका जो है आपका बेस्ट होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे BA के स्टूडेंट हैं, BSc के स्टूडेंट हैं, आप जितना लेंथी लिख सकते हैं क्योंकि 6-6 नंबर, 7-7 नंबर के आपके क्वेश्चन होते हैं, तो 4-5 पेज तो आपको लिखना ही लिखना है, जितना आपको आता है क्वेश्चन के बारे में उतना लिखिए, ठीक है ना। और जो एग्जामिनर होता है उसके पास समय कम है तो वो ये चीज चेक करता है जो मैंने बातें आपको इस वीडियो के अंदर बताई हैं। तो आई होप आप समझ पाए होंगे, और भी कोई आपका डाउट होता आप बता सकते हैं। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।